नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 35.4 है। अभी इस हाथ को देखे, यानी 35 साल और 4 मंथ है। इनके बेसिक सवाल है, शादी कब? अब इनके द्वारा मुझे उतना सहयोग नहीं मिला जो और लोगों से मिलता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर होने के भी चांसेस है। इन्होंने सब पूछा है, शादी कब, वो मैं आपको बता दूंगा। आपके हाथ में क्लियर कट शादी नज़र आ रही है। पैसा बचता नहीं, वो भी नज़र आ रहा है। मैं इसका भी उपाय आपको देने की कोशिश करूंगा। मानसिक परेशानी बहुत है। अब ये जो एक सब्जेक्ट है, मानसिक परेशानी दो चीज़ों से होती है। या तो हमारी ये जो माइंड लाइन है, इस पर सूजन हो, तो ये 100% इनके माइंड लाइन सूजन भरी है। अब ये एक केवल ये एक फ़ोटो सीधा आया है, बाकी के सारे फोल्डेड फोटो है, स्ट्रेट फोटो नहीं है, तो कहीं ना कहीं एरर रहने के भी चांसेस है। मैं उससे इनकार नहीं करता, पर फिर भी मैंने यथाशक्ति बहुत सारी अच्छा खासा समय लगाया और कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लगता है एक कलर फोटो के अंदर कहीं ना कहीं राहु रेखा काटती हुई इनकी नज़र आ रही है। उस पर भी जाएंगे और एक एक करके सारी चीज़ों पर गौर करेंगे। और ये जो माइंड लाइन है, ये भी सूजन भरी है, यानी फैली हुई है, तो ये भी एक मानसिक तनाव का कारण होता है। ये PSU गवर्नमेंट सर्विस में है, PSU जो होते हैं उसके अंदर। अब जो यथाशक्ति जो दिख रहा है वो मैं देखने की कोशिश करता हूं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार शेप बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और ये मेहनती भरपूर होते हैं इस तरह के पाम वाले लोग। फर्स्ट पहले नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। मूड भी रहा है तो ऐसे लोगों को मित्रता भी अच्छी खासी होती है, चुटकी बजाकर मित्र बनते हैं। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति होता है। ये जब उंगली छोटी होती है तो फास्ट निर्णय लेते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। ये उंगली बैंड भी हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भरपूर होती है, भरपूर धार्मिक भावना होती है। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव की ओर इशारा करती है। जीवन कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद जरूर लेते ऐसे लोग। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते हैं। इन्होंने एक किस्सा बताया, इन्होंने अपने माँ बाप को 2 सालों में हर जगह पर यात्रा करवाई है, तो बहुत अच्छा काम किया और उसमें लाखों रुपए खर्च किए, हवाई जहाज में लेकर गए। ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छी खुशी हुई थी। भगवान करे ऐसा बेटा हर माँ बाप को मिले। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमजोर होता है। अब इसी पाम का सहारा लेकर हम रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी के पाम है वो उतने स्पष्टता नहीं आई है। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं और सुंदरता भी मिलती है, और बुध पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर एक और नया विषय देता हूं। आपने देखा होगा यहां पर बहुत सारी लाइन है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी लाइनें होती है तो मैरिज जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें इनका विश्वास कम होता है, ये जल्दी उब जाते हैं किसी भी संबंध से, बहुत जल्दी उब जाते हैं। ये मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। इनकी मैरिज लिखी हुई है, क्लियर कट शो हो रहा है, इसके लिए मैं ये एनालिसिस करने भी बैठा, ये एक प्रश्न के लिए, नहीं तो मैं ना बोल देता हूँ कि जब तक आप सही फोटो नहीं भेजोगे मैं नहीं कर पाऊँगा। पर वो इनका जो मेन प्रश्न था वो दिख रहा था, और सेकेंड प्रश्न है पैसा बचता नहीं, वो भी दिख रहा था। ये 2 कारणों से मैं एनालिसिस करने बैठा हूं।
अब सूर्य पर्वत पर देखते हैं, इनका एक इंक लगा हुआ पाम मैंने इधर से उधर क्रॉप करके लिया हुआ है। इन्होंने मेहनत सारी की पर प्रॉपर रूप से मेहनत नहीं की। अब देखो ये गवर्नमेंट जॉब में है और जिस तरह की धन रेखा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर फिश साइन होनी चाहिए, जो स्पष्टता तो नहीं है पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एक यहाँ पर लग रही है और एक इस जगह पर महसूस हो रही है। क्योंकि इनकी जो जिस तरह की धन रेखा है, अगर ये ना हो तो पैसा ही व्यक्ति के पास ना आए, यहाँ पर आभास जरूर हो रहा है। अच्छा, आप और हम घर में है, ये अभी तक घर में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो इनको अभी भी ऑफिस जाना पड़ रहा है। ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को मन की इच्छाएं पूरी करवाता है। बाकी कोई साइन मुझे नजर नहीं आ रही है। और एक छोटी सी फिश साइन इधर भी है, ये स्पष्ट दिख रही है। यहाँ विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। यहाँ पर देखे तो ये पार्ट थोड़ा सा उभार है। ये जब पार्ट उभार रहता है तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। पर फिर भी चाहिए वैसा फोटो नहीं है तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये उभार है, पर दिख तो रहा है। ये राइट में जाने वाली रेखा है, चार तरह का लाभ देती है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। जो सरकारी लाभ इनको मिला हुआ है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो अभी तक हुआ नहीं है। चौथी चीज, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते तो कहीं ना कहीं ये अच्छे लेवल पर होंगे जॉब में। ये चार वस्तुएं देती है, कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक। इनका जुपिटर माउंट यहाँ से टिल्ट है। अब जुपिटर माउंट को बहुत अच्छी तरह से अगर आप लोगों को देखना हो, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये प्रश्न पूछा था कि जुपिटर माउंट को अच्छा या बुरा कैसे समझना। एक तो जब टिल्ट होता है कहीं पर भी तो ये बुरा होता है, शनि पर्वत की ओर टिल्ट, यानी शनि पर्वत में जब आक्रमण करने जाता है तो ये खराब माना जाता है। पर पुरुष का जरा सा भी थोड़ा सा भी उभार हो तो ज़्यादा टेंस मत लो, उनको पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा नहीं होती। हाँ, बहुत ज़्यादा पार्ट अगर अंदर की तरफ जाए तो ये खराब माना जाता है। सेकंड अगर देखना हो तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये अगर फ्लैट है तो आप आंख मूंद के कह दीजिए कि जुपिटर माउंट आपका खराब है। कई लोगों को आप ऐसे भी देखोगे, यहां से टिल्ट मिलेगा आपको, थोड़ा सा दिखेगा, पर ये पार्ट में अगर पैडिंग है तो ये खराब नहीं है। यहां पर अगर पैडिंग नहीं है थोड़ी भी तो ये जुपिटर माउंट खराब माना जाता है। अब ये धार्मिक भी भरपूर है, इसका भी मैं उपाय दे दूंगा इनको। ये जो लाइन है ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, ये गुरु वलय है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूँ कि ऐसे लोग जब रिटायर्ड हो जाते हैं अपने काम से या बिजनेस से, तब ये मंदिरों में पाए जाते हैं। पैसे वाला होता है तो ट्रस्टी भी बनता है का, नहीं तो फिर आपको चार पाँच घंटे, तीन घंटे ये लोग मंदिरों में निकालते ही है। ये धार्मिकता की निशानी है, ऐसे लोग धार्मिक होते ही है, गुरु वलय वाले। बाकी मुझे पैरेलल लाइनें दिख रही है, मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाएगा, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता। अब ये जो लाइन है ये किस तरफ चल रही है, इसे मल्टीपल इनकम ही जॉइंट कर सकते हैं। कंटिन्यू चलने वाली रेखा है। अब ये अगर ब्लू इंक में कुछ दिखता है तो देखने की कोशिश करते हैं।
बस इसी तरह चल रही है चीजें, मल्टीपल लाइन ही है। अंदरूनी मंगल काफी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। हाँ, अगर ये अंगूठा थोड़ा सा और खुला होता तो पता चलता था। अगर ये उभार होगा, आप अपने लेवल पर देखना, तो व्यक्ति अपशब्दों का भी प्रयोग करता है जवानी में और टीनेज में ज़्यादा, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। भारी मंगल अच्छा है, जो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक दो लाइनें हैं कि कभी ना कभी इनको पुलिस स्टेशन या कोर्ट के चक्कर लगवाएगी। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, इनको विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा 100%। अच्छे परचेसर होते हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। मनी ट्रायंगल तो बहुत छोटा है, एकदम कंप्लीट तो नहीं गिन सकते मनी ट्रायंगल को। हाँ, सूर्य रेखा जरूर है इनके हाथ में, तो कंफर्टेबल इनकम रहेगी। शुक्र पर्वत पर अगर ये तील रहा तो कभी ना कभी एक बार पुरुष है यानी स्त्री की ओर से कभी ना कभी नाम खराब होने के चांस बने होंगे। चांस नहीं, बनते ही, अगर ये तील होगा तो, और ये तिल नहीं होगा, कोई दाग होगा तो इसे कोई मानने की जरूरत नहीं है। और शुक्र पर्वत भी ठीक है तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, कपड़े अच्छे पहनता, अच्छी तरह लग्जरियस लाइफ जीने की तमन्ना रहती है उसकी। अब इनकी हृदय रेखा के लिए हम कलर का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यस, ये जो लाइन जा रही है व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, नहीं, शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो जब हृदय रेखा शनि, ये जब सीधा फोटो नहीं आता तो ये सारी तकलीफें होती है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा पाते। शनि पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति में कामुक भावना, पैसा कमाने की बहुत लालसा, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। और इनकी जिस तरह की हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो कहीं ना कहीं झंझटों भरा आपाधापी वाला जीवन रहता है, व्यक्तिगत जीवन इतना आनंद से नहीं जी पाते। और यहाँ पर फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। अब माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और काफ़ी मोटी माइंड लाइन है, ये व्यक्ति को प्रेशर तो देती है, 100% प्रेशर देती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और धीरे धीरे झुक रही है तो धार्मिकता भी बढ़ती जाएगी, पर यह लाइन ज्यादा धार्मिकता देती है, गुरु वलय, और कंप्लीट गुरु वलय है इनके हाथ में। अब जीवन रेखा के लिए ये थोड़ा सा क्रॉस में फोटो है, कहीं ना कहीं किंतु परंतु है, हम इसी का सहारा लेते हैं। मेरे हिसाब से एक 21-22 के आसपास राहु रेखा ने काटा होगा, अगर ये काट कर जाती होगी तो, और ये यहाँ रुकती होगी तो कोई ना कोई रिलेशन हुआ होगा। एक 24 में एक राहु रेखा ने काटा, एक 25 के आसपास भी कुछ ना कुछ राहु रेखा दिख रही है, 25 नहीं, सॉरी 26 के आसपास, तो यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनको। उसके बाद 31 में एक राहु रेखा दिख रही है, यहाँ पर भी कोई तकलीफ आई होगी। अब ये जो लाइन है ये लगभग 37 की लाइन है, इसके पहले उस इंक लगे हुए पार्ट में कुछ दिखता है कि नहीं, हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने मानसिक तनाव भी बताया
तो मानसिक तनाव का कारण राहु लाइन भी होती है। ये 37 की मैंने जो पूरे फोटो के हिसाब से काउंट की थी ये है, ये हो सकता है यहाँ पर कोई राहु रेखा काट रही हो और उसके पहले भी एक दो काट ही रही थी, तो इस कारण से ये तकलीफ हो सकती है। अब ये जो 37 में ये राहु रेखा नजर आ रही है और इसी पीरियड में धन रेखा पर भी कट है, तो मैं इनको सलाह दूंगा या तो ये इन्वेस्टमेंट कराएगी या इनको कोई नुकसान देगी, पर नुकसान के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मुझे राहु रेखा भी दिख रही है। तो यहाँ पर 37 में आप अपने आप को संभालना, कोई बड़ी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है आपको क्योंकि ये राहु रेखा शो हो रही है। अब वापस उसी फोटोग्राफ पर चलते हैं। उसके बाद अगर देखे तो देखिए ये 37 के बाद ये 38 के आसपास या 39 के आसपास ये रेखा इनकी शादी कराएगी, ये क्लियर कट जॉइंट हो रही है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्लोजअप नहीं है तो एकदम एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊँगा, हो सकता है एक आध साल का प्लस माइनस जीवन में चले, पर ये लाइन आपके जीवन में सहनाई बजाने में समर्थ है क्योंकि ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ स्टॉप हो रही है, ये मौका उठा लेना तो आप फायदे में रहोगे। उसके बाद जैसे ही शादी होगी उसके बाद भी छोटी सी राहु रेखा है, छोटी सी है। उसके बाद 45 के आसपास एक ऑफशूट है, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा इनको या कोई सफलता दिलाएगा। एक यहाँ पर भी एक लाइन जॉइंट होते हुए दिख रही है, ये भी रिलेशन शो कर रही है। अब इसे कलर में देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर इस फोटोग्राफ में भी ये रिलेशन शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर चलकर ये ऐसे चल रही है और यहाँ ही स्टॉप हो रही है, तो ये भी शादी कराने में समर्थ है अगर ये आगे टच करती होगी तो। मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की कि मुझे सीधा फोटो दीजिए, इस तरह का दीजिए, पर ये माने ही नहीं। और ये देखिए ये रेखा यहाँ पर टच होते हुए दिख रही है और ये रेखा मुझे अलग अलग नज़र आ रही है और इस पार्ट में भी देखिए कहीं ना कहीं आभास हो रहा है ये यहाँ पर टच होते हुए भी, ये ऑफशूट के 47 के आसपास ये लाइन नज़र आ रही है और 149 में राहु रेखा, उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है। और ये यात्रा रेखा है तो जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी और विदेश जाने के भी अवसर मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। अब इनका जो प्रश्न था पैसा बचता नहीं, पहले इनके हाथ में जो कट दिख रहे उसकी तरफ हम ध्यान लगाते। अब इस लाइन को देखें तो एक साइड से तो लग रहा है ये हृदय रेखा से निकल रही है, पर बहुत लोगों के हाथों में मैंने ये छलावा भी देखा है, तो ये कम से कम 37 के आसपास इनको रिस्क लेने से बचना चाहिए। फिर 38 के आसपास भी एक कट है, ये भी कोई ना कोई नुकसान दिलाएगा। एक कट लगभग 49 के आसपास है और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये सीधी लाइन है चल रही है। अब इनकी धन रेखा का क्लोजअप भी है हमारे पास। इनका जो प्रश्न था पैसा बचता नहीं, तो शुभ साइन होगी, पर ये देखिए इनकी धन रेखा कैसी फूली हुई है। ये व्यक्ति को एक्सपेंसिव लाइफ देती है, पैसा बचता नहीं व्यक्ति के पास। और यहाँ पर भी देखिए अप टू एंड तक इसी तरह की कंडीशन है, अप टू एंड तक। हाँ, बीच बीच में अवसर मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम होगी या रेंटेड इनकम या इन्वेस्टमेंट की इनकम जो इनको ग्रोथ देगी, पर ये जो मेन लाइन है ये तो एक्सपेंसिव है, इसका उपाय इनको 100% दे दूँगा।
तो पैसा बचने का तो चांसेस, यानी एक्सपेंसिव लाइफ तो रहेगी। अब आपने कितनी अच्छी फिश लाइन है उस पर भी निर्भर करता है कि किस तरह का पैसा आपके पास आएगा, किस क्वांटिटी में आएगा। पर जीवन भर पैसा आते रहेगा, एक्सपेंस लेवल ऑलवेज ज्यादा रहेगा, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और तो बाकी कुछ शो नहीं हो रहा। तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।